सो ये है इनका रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट काउंटर लगा है, बट वी विल सिट आउटसाइड क्योंकि ये नज़ारा एंजॉय करना है हमको। सो ये वाला रूम था हम लोग का, और ये अभी रिसेप्शन एरिया में आए हैं क्योंकि हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। और ये व्यू देखिए, और ये यहाँ पे कैंप फायर था, और ये ऑरेंजेस लगे हैं, छोटे छोटे ऑरेंजेस। Hey guys, good morning. Another beautiful morning in Ooty or near to Ooty at Global Village. और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, और हमने यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट सेट कराया है। एंड हियर वी गो, सो मस्ट ब्रेकफास्ट विद द व्यू। सो ये अपनी इडली है, सेट डोसा, ये क्या है बोले, वो मिसली, हाँ, ये अनियन बोंडा चटनी, सांभर नहीं, ये रेड चटनी, और ये सांभर। सो गोइंग टू ईट दिस डिलीशियस ब्रेकफास्ट विद दिस व्यू। ब्रेकफास्ट हो गया मस्त, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट था, मतलब इडली, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, अच्छा लगा। इडली और वड़ा था और सेट डोसा था। सो आप मेरे पीछे ये दो देख रहे हो, ये दो विला, तो लुक्स लाइक ये वाला इसमें जकूजी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप तो यहाँ पे भी रह सकते हो। ये थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, 6,000 पर नाइट है। जो हम लोग रुके थे वो 3,200 हम लोग को पड़ा था, एंड ये वेरी करता है सीज़न टू सीज़न। तो यप, इट वॉज़ अ नाइस प्रॉपर्टी, पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इन लोग ने अभी भी मेंटेनेंस का वो लोग कर रहे हैं, गार्डन वार्डन बना रहे हैं। तो अभी हम लोग रिजॉर्ट से निकले हैं ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके। बहुत ही अच्छा स्टे रहा हम लोग का ग्लोबल विलेज ऊटी। इट्स अ पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट, हाउएवर प्लीज़ कॉल देम बिफोर यू बुक, बिकॉज कभी कभी पीक सीजन में या फिर बहुत भर मतलब वीकेंड्स में अगर बहुत ज़्यादा गेस्ट है तो दे मे डिनाई ऑल्सो। सो बिफोर बुकिंग कॉल देम एंड देन कन्फर्म करके ही बुक कीजिएगा। तो स्टे अच्छा रहा, हम लोग जिस रूम में रुके थे इट वॉज 3,200 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। हम लोग का फूड बिल, जो हम लोग ने डिनर दो दिन डिनर किया, एक दिन बारबेक्यू भी किया, टोटल फूड बिल वॉज 3,685। क्योंकि बारबेक्यू हम लोग ने 2 kg चिकन का बारबेक्यू भी किया। ये रहा उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये ट्रिप एडवाइज़र में भी है वो लोग, तो यू कैन कॉल दिस नंबर एंड बुक इट। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का मौसम और बहुत ही अच्छा है, अभी भी टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है और काफ़ी अच्छा है व्यू, आप देख सकते हो ऑसम व्यूज। यहाँ से घर के लिए 345 किलोमीटर और 7 hours 50 minutes दिखा रहा है, बट आई नो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इस बार हम लोग गुडालूर होके जाएंगे, हेयरपिन बेंस नहीं है। हेयरपिन बेंस जब हम लोग बैंगलोर से ऊटी आ रहे थे उस समय मिलता है, वो जब हम लोग डाउन हिल होते हैं वो वाला अलाउड नहीं होता है ऊटी से, वो वाला रास्ता क्लोज रहता है, तो इसीलिए अभी हम लोग गुडालूर वाले रास्ते से जाएंगे। हम लोग फिर वापस रिजॉर्ट की तरफ आ गए हैं क्योंकि हम अपना मोबाइल का चार्जर भूल गए हैं रूम पे, और उसको लेने आए हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर्स आगे चले गए थे, फिर वापस आए अभी, तो ये वाला हम लोग छोड़ आए थे तो अभी ले लिया। ये आइकिया का चार्जर है इसलिए छोड़ नहीं सकते थे, ये 3 USB वाला है पावर चार्जर, सो बहुत जल्दी जल्दी मिलता नहीं है, बट वेरी यूजफुल फॉर अस, बहुत ही अच्छा चार्जर है। और देखिए आगे पूरा बादल आ गया है, मस्त ठंड, मस्त ठंड, ओह फुल क्लाउड्स, देखो मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ।
अंदर हीटर लगा दिया है क्योंकि बहुत ठंड है, मतलब मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। और आज स्वेटर भी नहीं पहना, ऐसे हल्का सा टी शर्ट और जैकेट, हाफ जैकेट पहना था, और मनीष ने तो कुछ ही नहीं पहना है। मेरे अंदर जो है एक लेयर ऑलरेडी है चर्बी की, तो दैट सेव्स मी। तो यही था आनंद महिंद्रा सर का स्कूल, द लॉरेंस स्कूल, और बहुत ही अलग अलग फेमस फेसेस यहाँ से पढ़े हैं। और यहाँ पे एक बच्चा रो भी रहा था, उसके माँ बाप बाहर से देख रहे थे। इट्स अ बोर्डिंग स्कूल, कोएड बोर्डिंग स्कूल, तो कितना ख़राब लगता है ना। मुझे तो तारे ज़मीन पे वाला सीन याद आ गया, बेचारा वो कितना रोता है, उसके माँ बाप उसको कंसोल कर रहे हैं बाहर से, वो गेट के अंदर है, बाहर नहीं आ सकता। तो I felt bad about it, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में लोग भेजते थे हैं फॉर गुड फ्यूचर एंड ऑल, लेकिन जब बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं बचपन में ही ना, सबकी अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ होंगे, बट मेरा व्यू ये है कि आई डोंट लाइक दैट। बच्चों को अपने साथ रखो, लेट देम इन्जॉय दैट चाइल्डहुड विद देयर पेरेंट्स, और जब बड़े हो जाएँ, एटलीस्ट हम लोगों ने भी अपना घर छोड़ दिया था आफ्टर ग्रेजुएशन, जब हम लोग मास्टर्स डिग्री के लिए गए थे, या लोग जो बीटेक के लिए जाते हैं, जैसे पल्लवी गई थी, दैट्स आर लास्ट मोमेंट वी स्टेड विद आर पेरेंट्स, उसके बाद हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। एटलीस्ट गिव दोज फर्स्ट 12 इयर्स और 15 इयर्स 16 इयर्स टू लिव विद द पेरेंट्स। लेकिन बोर्डिंग स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ के निकलते हैं ना, वो बहुत ही टैलेंटेड इन द सेंस, बहुत कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि वो लोग बचपन से अकेले रहते हैं, हॉस्टल लाइफ जीते हैं, तो अपना अपनी जो मतलब अपना जो काम होता है खुद से करते हैं छोटे से ही, तो वो जो बिहेवियर है या फिर वो जो कल्चर है वो उन पे डेवलप हो जाती है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, जो कि आगे जाके उसको बहुत हेल्प करता है मेरे ख्याल से। देयर आर प्रोस एंड कॉन्स, जैसे कि अभी अगर कोई डिफेंस में है माँ बाप, जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है हर एक साल दो साल में, तब वो बच्चा अगर हर दो साल एक साल में अगर स्कूल चेंज करेगा तो ऑब्वियसली उस फोकस नहीं दे पाएगा पढ़ाई में, अगर स्कूल चेंज होते रहेगा, उसका एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा, तो उस केसेस में ऑब्वियसली बोर्डिंग स्कूल में यू नो माँ बाप सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उनको डालना ही पड़ता है बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में फॉर द बेटर फ्यूचर। पिक्सी फिर भगा दी रास्ते में खड़े हुए थे कहीं हटो मेरी गाड़ी के सामने से, पिक्सी बोली ऐसा नहीं लग रहा सारे पेड़ जैसे बहुत बुढ़ा गए हों, बुढ़े हों, या बिजली गिरी हो इनपे, बहुत पुराने होंगे। मसीना गुड़ी ये अलाउ नहीं क्या? वन वे? ओ अच्छा वन वे, तो यहाँ पर हमेशा होता है ये, दे वोंट अलाउ टू गो वाया हेयर पिन वेंस, इट्स ओनली वन वे। बेचारी उसको डांट दिया है जब नहीं कोई समझ रहा है। एनीवेज मेरे को तो अच्छा है, मैं तो हमेशा जिस रास्ते आता हूँ
ज़्यादातर उसी रास्ते वापस नहीं जाता, सो दैट आई कैन एक्सप्लोर द न्यू वे. और ये गुदालोर वाला रास्ता वैसे भी हमारा प्लान था. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू शो यू गाइज दैट हेयरपिन वेंट्स इज ओनली अ वन वे. सो वाइल कमिंग फ्रॉम मधुमलाई और मसेनागुड़ी पानीपुर साइड से आप आ सकते हो ऊटी के अंदर वाया हेयरपिन बेंड्स, लेकिन जाते समय आपको ये लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा वाया गुदालोर. ये भी सीनिक रूट है, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है लेकिन बहुत ही अच्छा है. सो ऑलवेज ट्राई दैट लॉन्ग रूट. और ऊपर से गुदालोर के बाद से आपका मधुमलाई नेशनल पार्क शुरू हो जाता है, तो यू गेट अ वेरी बिग स्ट्रेच ऑफ जंगल. तो बांदीपुर जो कनेक्ट करता है, तो वो आपको कुछ हाथी दिख जाते हैं उधर. नहीं, आज टाइगर दिखेगा. टाइगर तो यार आते समय दिखा था, मस्त था वो व्यू. अच्छा कैप्चर अच्छे से नहीं हो पाया, वरना मैं आप लोगों को भी दिखा देता. बस जरा सा एक छोटा सा फोटो देखा, उसको जूम करके मैं आपको दिखाया होगा मैंने पीछे वाले वीडियो में. लेकिन जो हम लोगों ने देखा वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर था. और वो थैंक यू फॉर दैट गाय. कोई तो एक बंदा था, वो आ रहा था, मेरे को रोका उसने रास्ते में. कहता है कि देर मैं सम लोकल लैंग्वेज, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बाघ को कुछ तो बोला वो लोकल लैंग्वेज में. मुझे लगा बाइसन आइसन, बट ही वॉज वेरी एक्साइटेड. तो इसीलिए मैं राइट साइड में देखता हुआ जा रहा था स्लो स्लो, और मुझे जब बाघ दिखा तो मैं समझ गया कि वो बंदे ने बाघ बोला था. सो थैंक यू फॉर दैट गाय, अगर वो देख रहा है तो. बट इट वॉज अ वेरी गुड व्यू, मस्त लगा. वी स्पॉटेड अ टाइगर. तो देखते हैं जाते वक्त अगर फिर से कुछ दिखता है. पल्लवी, आज तुम अगर बोल दोगी कि टाइगर मिलेगा जैसे तुमने बोला, और आज अगर टाइगर दिख गया तो फिर हम कल ही सफारी बुक करेंगे और सफारी लेके नॉर्थ ईस्ट ट्रिप जाएंगे. डन. कौन सी सफारी? डन. कल ही कौन सी सफारी लेके नॉर्थ ईस्ट जाओगी? टाटा सफारी. अच्छा टाटा सफारी. ओ मैं कहूँ साला जंगल सफारी कोई करोगी क्या? हाँ ठीक है. वैसे आप लोगों को बता दें, पल्लवी मेरे को पिछले 2 महीने से पीछे पड़ी है, जब से मैंने XUV 700 का रिव्यू किया हुआ है और बाद में टाटा सफारी का. पल्लवी मेरे पीछे पड़ी है, तुम क्यों XUV 700 के पीछे पड़े हो, या फिर महिंद्रा की गाड़ियों पीछे पड़े हो. 4x4 लेना है तुम्हें, ऑल व्हील ड्राइव लेना है, या 4x4, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो कि थार? और मैं थार इसके पीछे पड़ा हुआ था, मुझे थार चाहिए था. मतलब कोई भी मॉडल मिल जाए, कोई भी ऑटोमेटिक, मैनुअल, डीजल, पेट्रोल, मैं तुरंत उठा के उसको लेके जाने वाला था. तो मनाली ट्रिप या फिर अभी जो आसाम जा रहे हैं और एक और ट्रिप लद्दाख की, तो मैं यही चाह रहा था, लेकिन मेरे को कहीं मिल नहीं रही है. और पल्ले भी बिल्कुल लगी, क्यों तुम्हें चाहिए 4x4? टाटा सफारी उठा लो, मुझे उसका पैनोरामिक जो व्यू, सन व्यू, सनरूफ है ऊपर, वो चाहिए मुझे. मुझे बहुत हो गया मेरे को कैमरा लेफ्ट साइड से बाहर निकाल के लेने का, मैं खड़ी होके कैमरा लूँगी बाहर का वीडियो. सो दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से. चलो डन डील. डन डील. आज तो मुझे टाइगर दिखा दो बढ़िया सा, उसको कैप्चर करा दो, कल टाटा सफारी बुक हो जाएगी. ओके लेकिन इसका दूसरा साइड भी है, अगर नहीं हुई द नेक्स्ट 4x4 महिंद्रा की, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे न्यू जनरेशन हो, या 7-सीटर थार हो, कुछ भी हो महिंद्रा का, आई हैव टू अपग्रेडेड, यू वोंट से अ सिंगल थिंग. डन डील. थार में कंफर्ट नहीं है बस. अरे लुक वाइज है. अरे तो बाहर से करना है ना, बाहर से मस्कुलिन दिखता है लेकिन जो अंदर की कंफर्ट भी तो चाहिए. ये है शूटिंग स्पॉट, बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारी जनता यहाँ पे आई हुई है. शूटिंग स्पॉट पे हम शूटिंग कर रहे हैं. वो ऊपर जो आप हिल देख रहे हो, वो ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, ऊपर से व्यू दिखता है, लेकिन इतना दूर जाएगा कौन? गाड़ी जाती है, गाड़ी जा तो रही है. हाँ गाड़ी जा तो रही है, जहाँ जहाँ गाड़ी जाएगी वहाँ वहाँ हम लोग जाएंगे. गुदालोर वहाँ लिखा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रोड उस तरफ है, गुदालोर लेफ्ट साइड हो रहा था, यहाँ बोल रहा है ग्लेन मॉर्गन. तो अब ग्लेन मॉर्गन है, ग्लेन मोरेंजी है, ग्लेन का कुछ और है,
देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं वाइनयार्ड आइनयार्ड है कोई छुपा हुआ। यार ये भूतिया रास्ता है, घुमा लो। कहाँ भूतिया, लोग देखो फोटो खींच रहे हैं, ये देखिए बाइक एंथुजियास्ट। आप देख सकते हो मैप में भी कुछ नहीं दिखा रहा, कोई रोड नहीं दिखा रहा है और ये घुसते चले जा रहे हैं पूरा जंगल मस्त, और हम ही लोग अकेले हैं इस पे, रोड पे कोई नहीं है। ये कहाँ जा रही है रोड, वी डोंट नो। पल्ली कह रही अब निकल लो वापस, मैं कह रहा हूँ चलो थोड़ा सा कुछ और आगे। अच्छा ये वाली ग्लेन मॉर्गन वाली रोड है जो आगे जाके मसीनागुड़ी निकलती है। देर इज़ अ शॉर्टकट जो रास्ते से जाता है, आई नो, मेरे को, मैंने देखा था इसको, बहुत ही ज़्यादा सीनिक है। बट द ओनली थिंग इज दिस रोड इज़ नॉट रिकमेंडेड व्हेन यू आर गोइंग विद लेडीज। थोड़ा सा आइसोलेटेड है, तो मैं अगर निकल गया और कहीं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गया तो फंस जाएंगे अगर, लेकिन लड़के लड़के अगर हो तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड गो वाया दिस रोड, बेस्ट है। तीन चार लोग हो निकल जाओ, पूरा ग्रीन एरिया जाती है। पल्ली वैसे चल सकते हैं हम, लेट्स ट्राई इट। हमेशा तो पिक्सी है ना, क्या कहती हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। पल्ली भी सन हो रखी है बिल्कुल। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। बंदर ने पिक्सी को देख लिया अंदर और वो ब्रेड अपना छोड़ के भाग गया। पिक्सी तुम किस किस को भगा रही हो यार? लड़की गाय को भगा लिया, घोड़े को भगा लिया, बंदर भी भाग गए तुम्हारे डर से। शेर तक तो भाग गया। हाँ शेर तक तो भाग गया। किसको देख रही हो पीछे, आ जाओ इधर। पिक्सी क्या देख रही हो पीछे, बैठ जाओ। यस कितना सुंदर स्पॉट है, हम लोग यहाँ पे फोटो खींचने के लिए उतरे हैं, बहुत सुंदर है। नीचे जाने के लिए भी है, फाइनली हम लोग उतर ही आए। अब पिक्सी मज़ा कर रही है, क्या सही लोकेशन है, बहुत ही सुंदर है। पिक्सी को हमने, वो बारिश हो गई, बारिश आ गई। व्यू देखिए कितना सुंदर है, लेक, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है इधर, और ये पूरा, अगर आप डालोर से आते हैं ऊटी की साइड में तो ये रास्ते पड़ेगा। बहुत ही सीनिक व्यू है। पिक्सी ऐसे खड़ी रहती हैं और जब लेफ्ट राइट होता है तो कहीं पल्लवी को एक किस करेगी, फिर मेरे यहाँ करेगी, फिर पल्लवी के, फिर यहाँ,
तभी जैसे ये घुमाया, ये देखिए ऐसे आके मुंह लग जाता है इनका, नहीं खड़ी यहीं पर होंगी। ये देखिए कहाँ पे पैर रखी है, मतलब महिंद्रा का क्वालिटी हैट्स ऑफ। दूसरी गाड़ी होती तो सब चीड़ फाड़ हो जाती है ना अभी। हाँ, इसका लेदर बहुत अच्छा है, लेदर। और फिर इस साइड में जो सीट यहाँ भी पैर रखती है, उसके नाखून लगते हैं, लेकिन अभी तक कुछ डैमेज नहीं हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है ये छोटा सा वाटरफॉल। आगे देखिए क्लाउड्स पूरे, जैसे हरित क्रांति आई हुई है। नवंबर में एक तो मॉनसून एक्सटेंड कर गया पूरा कर्नाटका और केरला और तमिलनाडु में। नवंबर के टाइम में बारिश भी है, ग्रीनरी है, धुंध, अरे मतलब पूरा फुल मज़ा, फुल मजा। मजा लगी से खूब भालो, खूब भाल लगी से, खूब भाल लगी से। अमी आँखों में जाम, मतलब कह दिया कि ये बढ़िया है, बिल्कुल फटता नहीं है, तो उसी पे खड़ी रहोगी हैं, उसी पे खड़ी रहोगी। क्या मस्त ब्यूटी है, नीडल व्यू पॉइंट था ना पहले, उसके बाद है ना ये। ये कौन सा पीक है वैसे? गुदालूर पहुंच चुके हैं, ये गुदालूर का बाजार है और यहाँ से मैसूर 110 किलोमीटर्स। तो अभी देखिए टेम्परेचर बाहर का 22 डिग्री हो गया है, क्योंकि ये नीचे ही है, गर्मी स्टार्ट। मार्केट काफ़ी बड़ा है गुदालूर का, रोड साइड मार्केट। सो स्ट्रेट रोड केरला, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स मैसूर। सो चाय के लिए एक पिट स्टॉप और थोड़ा सा पल्लवी के खाने के लिए सामान ले लिया, लिटिल हर्ट्स। अभी बच्चा गया नहीं तुम्हारे अंदर से हैं, तुम्हें चीनी वाला पसंद है लिटिल हर्ट्स? हाँ। और देखिए नीचे कुरकुरे भी चल रहे हैं, यहाँ पर ये भी चल रहा है। हमारी चाय आ गई है और हमने ये ऊटी वारके बिस्किट्स लिया है। ये थोड़ा सा मीठा भी है, थोड़ा सा नमकीन भी, ऐसा बोल रहा है, but let's eat, we'll see. At 3-star store, it's just after Gudalur and before Madhumalai National Park, there is the gate, we'll show you, and this is a very good shop. You get lot of chocolates here. Oh, oil, huh? Oil. Nilgiri oil. So ये Kerala oil का, इसमें बहुत सारा जड़ी बूटियाँ लग रहा है, आप देखो मलप्पुरम।
ओके, दिस इज जस्ट बिफोर द मधुमलाई नेशनल पार्क, जब हम लोग ऊटी से आते हैं उससे पहले ये शॉप है. सो थैंक यू. ओके, थैंक यू. Why? Free. Free. Oh, okay. Thank you. Thank you. So, भैया कितने स्वीट है हमको फ्री में चिप्स दिए. So, ये सामने है मधुमलाई टाइगर रिजर्व. अब यहाँ से हमारा जंगल शुरू होता है एंड और आज टाइगर दिखेगा और हम सफारी खरीद लेंगे. ये दिखा टाइगर, अब पल्लवी भी सफारी खरीदेगी. ये दिखा टाइगर, दो दो टाइगर है. वो देखो आगे भी दो टाइगर है पल्लवी.